संस्था द्वारा छात्रवृत्ति के चेक पाकर छात्राओं के खिले चेहरे, शिक्षा के आसमान में उड़ान हेतु मिले पंख। अपसा के द्वारा बालिकाओं को 3 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की गई ताकि अपनी स्नातक शिक्षा पूरी कर वे ऊंची उड़ान भर सके। इस प्रकार के आदर्श व परोपकारी कार्य को करने वाली भारत में बहुत ही कम शैक्षिक संस्थाएं जिनमें अपसा ने अपना अलग ही परचम लहराया हुआ है। अपसा द्वारा प्रदत्त बालिका छात्रवृत्ति का चेक वितरण कार्यक्रम सिंबोजिया स्कूल आगरा में किया गया, जिसमें 35 बालिकाओं को प्रति छात्र 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसमें सन 21-22 से 22-23 से 11 और 23 से 24 से 14 बालिकाओं का चयन किया गया। इस प्रकार कुल 2,80,000 की धनराशि प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुकन्या शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर विपिन अग्रवाल, हेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड सोशल डिपार्टमेंट RVS कॉलेज आगरा तथा अपसा के सदस्यगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर गिरधर शर्मा, त्रिलोक सिंह राणा, कर्नल अपूर्व त्यागी, मनीष गुप्ता, शेखर सिंह आदि ने चयनित छात्राओं को चेक प्रदान किए। तत्पश्चात विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर अनिता राणा ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में अपसा उपाध्यक्ष डॉक्टर GS राणा ने सभी का आभार व्यक्त। आज सिंबोजिया स्कूल की तरफ से अपसा गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें जो स्टूडेंट्स ICSE और CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं उसमें 2 गर्ल चाइल्ड ये सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। ये एक बहुत ही नोबल इवेंट है, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कोई भी फीमेल अपने करियर में ग्रेजुएशन तक के लिए सोचती है कि मुझे ग्रेजुएशन कहीं से करना है, और एक इंस्टीट्यूट इस टाइप की स्कॉलरशिप को प्रमोट कर रहा है और उनको प्रोवाइड करा रहा है जिससे वो हायर एजुकेशन ले सके, तो ये डेफिनेटली गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन की तरफ एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। अपसा का एक सबसे बड़ा जो इवेंट होता है वो होता है अपसा गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, जिसमें कि इस साल हमने 14 लड़कियों को चुना था 23-24 के, और टोटल 35 बच्चों को हमने 8,000 रुपये के हिसाब से 2,80,000 रुपये आज वितरित किए हैं। जो लड़कियां इस साल चुनी गई हैं उनको अगले 2 साल हम और देंगे। हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि किसी तरह से वो ग्रेजुएट हो जाए, और 3 साल में वो ग्रेजुएट हो जाती है जिससे कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसमें मैं उन बच्चियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह के जो हम लड़कियों को ऊपर ला रहे हैं वो आगे बढ़ेंगी। और ख़ास करके आज डॉक्टर सुकन्या शर्मा जो ACP सदर आई, उनको देख के उन लड़कियों का मोटिवेशन और बढ़ा, और हमने उनको यही बताया कि कोई भी कुछ भी कोई बन सकता है, सिर्फ आपने लगन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम कर्नल अपूर्व त्यागी है। मैंने कर्नल्स ब्राइट एंड पब्लिक स्कूल आगरा की स्थापना करी थी 20 वर्ष पहले। 2009 में हम लोगों ने मिलकर अपसा संस्था का गठन किया, जिसका मेन उद्देश्य सारे विद्यालयों के बीच समन्वय पैदा करना, ताकि जो गतिविधि जो आज आपने देखी गर्ल्स चाइल्ड स्कॉलरशिप की, ऐसी गतिविधियों को पर ध्यान केंद्रित करके, और जो बच्चियां जो पढ़ाई में अच्छी हैं लेकिन उनका परिवार उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उनको स्कॉलरशिप देना, सेंट्रली स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना, सेंट्रली को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना, ये सारी गतिविधियाँ हम लोग एप्सा के तत्वाधान में चलाते हैं। गर्ल्स चाइल्ड स्कॉलरशिप जो है उससे 2 मकसद पूरे होते हैं। पहला मकसद तो ये कि जो बच्चियाँ हैं जो वाकई में पढ़ना चाहती हैं और पढ़ाई में अच्छी हैं लेकिन उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनको हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और दूसरा मकसद ये है कि एक मैसेज पूरे समाज में जाता है कि जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं और पढ़ नहीं पा रही हैं उन्हें ये आशा पैदा होती है कि हमारे पीछे एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा है जो हमें भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हमें मदद करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। अपसा गर्ल स्कॉलर चाइल्डशिप एक ऐसा अवार्ड है जिसको देते हुए हमें बहुत गौरव और सम्मान का अनुभव होता है। वो बच्चियां जो 12th कर रही हैं, हम लोगों का जो स्कूल का लेवल है वो मैक्सिमम 12th तक है, उसके बाद कोई भी मेरिटोरियस बच्ची धन के अभाव में हायर एजुकेशन से वंचित ना रह जाए, ये हम लोगों का प्रयास है।
और अभी तक लगभग 200 बच्चों को अफसा अवार्ड दे चुका है। लगभग 48 लाख रुपए अफसा खर्च कर चुका है। इस बार हम लोग लगभग 35 गर्ल्स को ये अवार्ड दे रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि ये बच्चे अपने समाज में एक स्थान मुकाम हासिल करें, गौरव बने हम लोगों का, और हमें भी फख्र हो कि इन लोगों ने कुछ कीर्तिमान स्थापित किया और उसमें अफसा का भी कोई योगदान है, इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको एनकरेज करने के लिए। मैं तृप्ति कुलश्रे सिबोजिया स्कूल में प्रिंसिपल के का पद पर हूँ और आज हमारे स्कूल में सिबोजिया स्कूल में अफसा की तरफ से गर्ल्स चाइल्ड स्कॉलरशिप दी गई है। 3 साल की सेशन 21-22, 22-23 और 23-24। इसमें सारी उन लड़कियों को दिया गया है जो बच्चियाँ मेहनत करती हैं, पढ़ने में बहुत होशियार हैं लेकिन फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और इनका अच्छी तरह से इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। अक्सर मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उसके बिहाफ पे पहले इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद इनका सिलेक्शन होता है कि किस कौन सा बच्चा डिज़र्व करता है, कौन सी बच्ची डिज़र्व करती है कि इनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी।